व्यूअर्स, आज है दिन इतवार का और छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन जो है वो बाहर कहीं निकल जाते हैं घूमने फिरने, तो उसी सिलसिले में सब तैयार हो गए हैं। असद जो है वो कंघी कर रहा है और मैं भी तैयार हूँ। हसन जो है वो बाहर इंतज़ार कर रहा है, अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो आज हमने काम करने हैं दो, एक तो हमने जाना है गांव में, घर का काम शुरू करवाया हुआ था उसके लिए चौकटें वगैरह बनवानी है, तो उसका चौकटों वगैरह के रेट वगैरह या उसकी जो पेमाइश वगैरह के हवाले से जाना है, वहाँ पता करना है कि क्या हिसाब है, उसके रेट लेने हैं। और दूसरा ये कि उनकी बुकिंग करवा के आनी है, तो उसके लिए अभी हमने जाना है या क्रॉसिंग जाएंगे या फिर हमें किसी दूसरी जहाँ से हमें मुनासिब पैसों में जो चीज़ वहाँ से मिल जाए तो या उस तरफ जाएंगे, शायद हाजी कैंप वगैरह की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इस वक्त हम अभी अवेस का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी एरिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन अवेस अभी आया नहीं है और पता नहीं क्या कर रहा है। जब अली है, इसको काफ़ी देर से बोला हुआ था लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो अभी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पता करते हैं वो अभी कहाँ है। हसन ने अभी से रब्ता किया है लेकिन अभी वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, अभी देखें पहुँचता है तो पता चलेगा कि वो कहाँ है। क्यों हो गया तेरा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आधे बड़ी मोटरसाइकिलें नहीं, चाबियाँ घूम गई हैं, आया था तू जो है घंटा हो गया तू मुड़ गई यहाँ, नहीं देना करो कोई भी छुट्टी तो यार, मेरे मगज में नहीं चढ़ा हुआ, रो चढ़ा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रहा है नहीं नहीं, अभी आप बताओ आप कौन से गाँव के कैसे कहूँ मैं तुमसे कोई कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसे कहूं मैं तुमसे कोई कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है। आए अभी सोहेल भाई के पास यहाँ क्रॉसिंग पे, इनकी शॉप का नाम है कर्मा वाला स्टील, स्टील वेल्डिंग आप कह लें, या मतलब ये चौकटें वगैरह बनाने का काम करते हैं। हमने इनसे कहा है कि हमारे साथ थोड़ा मोहब्बत का इजहार भी करें और ताकि रेट जो है वो मुनासिब हो जाए थोड़े से, तो अभी ये सोहेल भाई जो है वो रेट जो है वो निकाल रहे हैं, पर्ची वगैरह हमारे लिए बना रहे हैं, देखें हमारे लिए कौन सा तावीज़ निकलता है इनके पास। चलें जी, अभी हमारी होगी है सेटिंग, हमने जो है वो सोहेल भाई को आर्डर दे दिया है, ये हमारे सोहेल भाई हैं और अब इनसे उठाना है, हमने 2-4 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम इनसे उठा लेंगे, देखें क्या चीज़ बनती है क्या होता है। उम्मीद तो है कि अच्छी चीज़ बनेगी क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की है कि आप चीज़ से बेफिक्र हो जाएँ। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आए हैं कैफे क्रॉसिंग पे, इधर तो पहले ही आए हैं जी। हाँ महेश भाई, क्या खाएंगे? बस यार ये अभी डिसाइड कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, चाय का मूड भी हो रहा है, पराठा अभी देखते हैं, साथ में चीज़ पराठा खाने का मूड है, असद भाई खिलाएंगे। चीज़ खाने के लिए मूड भी चीज़ वाला बनाना पड़ता है, वो तो बना लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ सर, क्या खाना है? चलो अभी मंगवाओ, इसमें से क्या क्या मंगवाना है, सादे पराठे मंगा ले या आलू वाले? हाँ खान भाई, क्या रेट है आलू वाले पराठे का? 80 रुपए। चलो 2 पराठे मंगा लो आलू वाले, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, और
दो आलू वाले पराठे मंगवा लो और दो चैनक चाय मंगवा लो बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, गरीब आदमी सही है। वाले पराठे ले आओ खान भाई, और 10-15 में चैनक है, टाइम लगेगा। चाय में चैनक है नहीं है? चैनक नहीं है, कट है, चार कट ले आओ। अवेश भाई आगे पराठे आते हैं। हाँ भाई आगे, और भूख भी टाइट लगी इसलिए बहुत टेस्टी लग रहा है, वरना तो नमक की थोड़ी सी कमी है। अच्छा भी तो आप बताओ, आलू का बोला था सारे लोग। हाँ आलू वाले पराठे बोले थे हमने, आलू वाले पराठे हमें नहीं मिले, सादे पराठे खा रहे हैं भाई और चाय भी पी रहे हैं। हाँ वेद भाई मौसम कैसा है? अच्छा अभी मैं और हसन आ रहे थे तो हमारे साथ ना इधर पीछे दो बच्चे हमारे साथ पीछे आ रहे थे, खड़े हुए थे गली के कोने पे, तो वो अचानक ही ना हमारे साथ आके चलना शुरू हो गए, तो हसन हंसने लग गया कि ये क्या हुआ। तो वो हसन उनको बोलता है आपको डर लग रहा था, वो बोलते हैं हाँ हमें डर लग रहा था ना, गली में अंधेरा था इस वजह से। तो मैंने हसन को बोला हम जब छोटे छोटे होते था, मैं जब छोटा होता था तो गली के कोने पे ना ऐसे आधा आधा एक एक घंटा खड़ा होता रहता था कि कोई आए तो उसके साथ घर जाएं। तो आज वो बच्चों को देख के ना वो वक्त याद आया जब हम कोई नहीं आता था ना, काफ़ी देर हो जाती थी गली में कोई नहीं आता था, तो फिर इतनी ज़्यादा स्पीड में भागता था मैं कि सीढ़ी के ऊपर जाके ना तो सांस फूल जाती थी। वाह क्या सीन है। पहुँचे घर और सारे दिन की जो एक्टिविटी थी वो भी आपके साथ शेयर किया। सुबह से जो है वो हमें लाइट वालों ने बड़ा परेशान किया हुआ था, जहर घोल देते हैं ना जिसको ज़िंदगी में बोलते हैं, वो घोल दिया उन्होंने आज सारा दिन हमारी सारे दिन में। और 4 बजे के बाद हम रेडी हो पाए, पानी नहीं था और फिर कपड़े प्रेस नहीं थे, वो मामला सारे किए। और उसके बाद अब फिर क्रॉसिंग चले गए, अपना जो काम था वो आपके साथ जो शेयर किया वो निपटाया। फिर उसके बाद अब जब घर पहुँचे तो भूख लग रही है, तो उसके लिए हसन समोसे लेके आया है। दिखाना हसन कितने लाए, ये देखो 4 समोसे लेके आए हैं, अभी भूख लग रही है और ये अभी सिर्फ गुजारा है और खाना हम बाद में खाएंगे। हसन कैसा दिन गुजरा आपका, मज़ा आया है? कोई काम नहीं आपका, सही गुजरा है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो आज माँ मैंने एक किया ये। अच्छा और आप, सर में दर्द का आराम हुआ नहीं हुआ? मुझे तो आज लाइट वालों पे बड़ा गुस्सा है। तो क्या दिल चाह रहा था आपका? मैं गया था लेकिन वो आज बच गए। बच गया साला। क्या गले मिलने गए थे उनसे, क्या करने गए थे? वो मुझे मिलते तो फिर पता चल जाता। अच्छा चले व्यूअर्स, अभी हम जो है वो समोसे इनको खा लें क्योंकि ये हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और आज के व्लॉग का भी हम इख्तिताम करते हैं इस पे। और अपने कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें हमारे व्लॉग में हमारी जो है वो, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।